एचआर के इतने सारे सेशंस देखने के बाद अब आज बारी आ जाती है कुछ ऐसी चीज की जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है अगर हम नहीं जानते उसे सर्च करना प्रॉपरली। यस, वैसे तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन आज मैं जो सेशन करने वाली हूँ वो फ्रेशर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तब भी आप उसे देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ओके, आज हम बात करने वाले हैं कि भाई एचआर की जॉब्स कैसे फाइंड करें, और वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई लॉगिन नहीं, कुछ नहीं, और सिंपल तरीके से हम कैसे अपनी लोकेशन पे, अपनी फेवरेट लोकेशन पे एचआर की जॉब्स सर्च कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचआर का एक ऐसा सेशन जिसमें हम जॉब्स फाइंड करेंगे एचआर प्रोफाइल की, किसी भी प्रोफाइल की। मींस हो सकती है वो एचआर एग्जीक्यूटिव, एचआर रिक्रूटर, एचआर जर्नलिस्ट, एचआर इंटर्न। यस, और वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। उसमें कुछ भी मैं ऐसा नहीं दिखाने वाली हूँ जो आपको टफ होने वाला है, लेकिन वो मैं दिखाऊंगी आपको थ्रू स्लाइड्स। ये है सिर्फ एक इंट्रोडक्शन, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको जरूर हिट करिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सेशन आपको कैसा लगा। बहुत सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, इसमें मैं कुछ भी ऐसा नहीं बता रही हूँ जो कि बहुत टफ है। आप बहुत सिंपली समझ जाएंगे और आप ऐसे बहुत अच्छे से जॉब सर्च भी कर सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है। आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं वेट करूंगी कि ये आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था, और आप कौन से सेशन में इंटरेस्टेड हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमेशा की तरह जरूर चेक करके जाइएगा, बहुत सारे वीडियोस आपके काम के हो सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मल गूगल में आप टाइप कर लेंगे indeed.com, और वहां से indeed.com जो सबसे पहली आपकी वेबसाइट आएगी उस पर आपने क्लिक कर लिया, और ये कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा आपके सामने। नाउ यहाँ पर हम सबसे पहले टाइप करेंगे जहाँ पे व्हाट लिखा हुआ है वहीं पर ही एचआर जॉब्स फॉर फ्रेशर्स। अगर आप फ्रेशर नहीं हैं तो आप खाली एचआर जॉब्स टाइप कर सकते हैं, और उसके सामने आएगा वेयर। वेयर मतलब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है लोकेशन। ओके, जो सामने का है इसमें हमने लोकेशन टाइप कर ली, मैं एक दिल्ली जनरल लोकेशन ले लेती हूँ, और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे फाइंड जॉब्स पे। अब आने वाली हैं हमारे पास बहुत सारी जॉब्स एचआर प्रोफाइल की। ये बिल्कुल फ्री तरीका है जॉब्स को देखने का, और अब आप इसमें देख सकते हैं, मैं इसे मूव करके भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये आपको जॉब्स यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ ऐसा भी होता है कि जैसे एचआर से रिलेटेड नहीं भी जॉब्स आपके सामने आएंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं जहाँ पे वॉइस एंड नॉन वॉइस प्रोसेस की भी जॉब्स लिखी हुई हैं, वो कस्टमर केयर की जॉब्स हैं, तो ऐसी भी जॉब्स आएंगी। अगर आप देखते रहेंगे तो आप धीरे धीरे करके समझ जाएंगे कि कौन सी एचआर की जॉब्स हैं और कौन सी नहीं है। जब आप ऐसे सर्च करेंगे तो आपको जॉब्स के नेम से पता चल जाएगा, जो डेजिनेशन हैं, जो प्रोफाइल्स दिए हुए हैं कि किस किस की हैं। अब आप इसमें, मैं खाली देखिए नीचे कर रही हूँ, खाली फ्लोट कर रही हूँ, तो आप देखिए इसमें बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं एचआर के। हम बात करेंगे धीरे धीरे करके सभी प्रोफाइल्स के बारे में, और ये बिल्कुल फ्री तरीका है। मीन्स आपने कुछ नहीं करा, बस गूगल पे इंडीड टाइप करो और एचआर जॉब्स टाइप करी और अपनी लोकेशन टाइप करी, और फाइंड जॉब्स में आपके पास सामने कुछ जॉब्स आ गई। ओके, ऐसे आप जिस भी लोकेशन पर वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। हम पिक करते हैं, चलिए सबसे पहली जॉब ये है, मैंने सबसे पहली जॉब पर क्लिक करा है, और ये लिखा हुआ है टुडे नीचे, और ये आज ही मतलब पोस्ट हुई है जिस दिन मैं अपना सेशन बना रही हूँ। एचआर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। नीचे आप देखिए इसी में मेंशन है, यहाँ साइड में अब राइट पे आ गया है, राइट पे आप पढ़ते रहिए, मैं और ऊपर नीचे करके फ्लोट करूँगी। तो इसमें बफिफ प्राइवेट लिमिटेड करके दिल्ली से कहीं जॉब है, और इसमें सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, हायरिंग कैंडिडेट्स इंश्योरिंग बिजनेस नीड्स फॉर हायरिंग आर मेट, मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन हायरिंग एट एंट्री लेवल। ओके, इसमें ये मेंशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर योर सीवी या एचआर विद व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और जॉब की डिटेल्स में जॉब टाइप फुल टाइम या फ्रेशर, सैलरी मेंशन की हुई है आप देख सकते हैं पर मंथ, शेड्यूल दिया हुआ है कि डे शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट हो सकती है, नीचे आपका एक्सपीरियंस भी मेंशन है। ओके, और कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम इसमें यहाँ नंबर मेंशन है, राइट। अब इसी के साथ आप एक और काम कर सकते हैं, और वो है कि यहीं से उठाइए ये कंपनी, ओके, और इसको सिलेक्ट कर लीजिए, कॉपी पेस्ट करके दूसरे उसमें जाइए गूगल में, और इसको सर्च करिए।
गूगल पे इसको सर्च कर सकते हैं आप। अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं आपको ये वे बता रही हूँ कि ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कंपनीज, जिस कंपनी में जॉब अप्लाई हुआ है। मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, ये आप जब चेक करेंगे वहाँ पे तो आपको कंपनीज की डिटेल्स वगैरह ऐसे मिलती रहेंगी। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि जिस कंपनी में मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो कंपनी कहाँ है क्या है, तो आप ऐसे जाके अलग से उसे चेक कर सकते हैं, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। ओके, चलिए। सो ये हो गया हमारा ये प्रोसेस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में भी देखिए मैं नीचे तक फ्लोट कर रही हूँ, बहुत सारी हमारी जॉब्स हैं जो कि एचआर प्रोफाइल की नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो एचआर प्रोफाइल की नहीं है, तो वो आपको साफ ही क्लियरली मेंशन हैं, दिख रही हैं कि वो एचआर की नहीं है। आ जाते हैं हम सेकंड जॉब पे, और ये है एग्जीक्यूटिव एचआर पोजीशन। ये है लिपाबेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की, दिल्ली, जैसे हमने लोकेशन डाला था। सैलरी इसमें भी अगेन मेंशन है, अर्जेंटली हायरिंग, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, शिफ्ट्स मेंशन की हुई हैं, क्वालिफिकेशन मेंशन की हुई है, ये फ्रेशर्स के लिए है, एमबीए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस कैन अप्लाई विद एनी बैकग्राउंड प्रोफाइल, जो एक्सपीरियंस्ड है। नाउ फ्रेशर्स के केस में तो उन्होंने खाली फ्रेशर्स कह दिया है, आपको एक्सपीरियंस ऑब्वियसली होगा ही नहीं, एमबीए अप्लाई कर सकता है। जहां बात आई एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस में आप देखिए इन्होंने मेंशन करा है कि एक्सपीरियंस किस किस चीज़ का होना चाहिए। ओके, और कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, तो इसमें मेंशन है एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। और भी चीज़ें इसमें मेंशन है, वो आप पढ़ सकते हैं कि 10 ओपन पोजिशंस हैं, फुल टाइम जॉब है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट। एंड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू, योर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड योर एक्सपीरियंस मीन्स जो सिलेक्शन है वो उसके बेसिस पे होगा। नेक्स्ट इज अबाउट एनी इन्फो ऑन द व्हाट्सएप नंबर, ये आप इस पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फुल टाइम जॉब हमारे देख ही लिया, सैलरीज में मेंशन है, बेनिफिट्स मेंशन है, और भी सारी चीज़ें आप नीचे तक चेक कर सकते हैं, ये मेंशन है। नाउ ये मैं आपको कोई भी जॉब प्रमोट नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि आप कैसे जॉब्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जॉब्स कैसे ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसके बाद ये नहीं होता कि आपने यहाँ जॉब देखी और बस अप्लाई कर दिया, या किसी को व्हाट्सएप कर दिया, किसी को कॉल कर दिया। ये आपकी अपनी रिसर्च ज़रूर बनती है, ये मीनिंग नहीं है कि आप यहाँ से सीधा अप्लाई कर दें और फिर आपको थोड़ा सा कुछ फॉल्टी वो मिले दूसरी साइड से तो आप कहें। मैं ये जनरली आपको वे बता रही हूँ कि किस तरीके से आप देख सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट आ जाता है थर्ड भी हम ऐसे ही वैकेंसी देख लेंगे। और भी एक थर्ड वैकेंसी मैंने इसमें देखी है, तो वो एचआर इंटर्नशिप की है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरे पास फ्रेशर जुड़े हुए हैं, तो अगेन वही एपीजे सत्य ग्रुप से है ये अच्छा वेल रेनाउंड ग्रुप है। इसमें भी देखिए आप सैलरी इंटर्नशिप में भी मेंशन हुई है कितनी अच्छी, और इसमें इन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। इंटर्नशिप के बारे में भी देखिए सारी डिटेल्स दी हुई हैं, और कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो भी सब मेंशन किया हुआ है। इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है, देखिए हु कैन अप्लाई में थर्ड वाला देखिए, पॉइंट कैन स्टार्ट इंटर्नशिप बिटवीन 14 सितंबर एंड 19 अक्टूबर। ओके, इस बीच में आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हैं, और ये अवेलेबल है 6 मंथ्स के लिए ड्यूरेशन। नाउ बहुत बार मैं कहती हूँ इंटर्नशिप के बाद बहुत सारे जो इंटर्न्स हैं उन्हें वहीं पे जॉब्स मिल जाती हैं, वहीं नहीं मिले तो आगे भी कहीं मिल जाती हैं, राइट। अगर आप बहुत अच्छे से काम करेंगे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको परमानेंट वहाँ पे करने में, जॉब्स देने में। तो आप इंटर्नशिप के लिए ज़रूर जा सकते हैं, और ये तो बहुत अच्छा शो पेमेंट भी दे रहे हैं। नाउ इसमें लास्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ मेरे बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं जो मुझसे कहते हैं, जो कि ये चैनल को फॉलो कर रहे हैं, वो कहते हैं कि फ़ीमेल्स हैं या अभी वर्किंग नहीं हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है फीमेल्स विलिंग टू स्टार्ट और रीस्टार्ट देयर करियर में आल्सो अप्लाई, वो भी अप्लाई कर सकती हैं। ओके, मैं आपको ये टाइप बता रही हूँ, मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ कोई भी यहाँ पे जॉब्स, राइट। तो इसका ध्यान रखें कि आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी जॉब, ये आपको खुद से थोड़ा सा रिसर्च तो करनी ही पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी, लिंक्डइन पे चेक कीजिए, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे चेक कीजिए, और उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। मैंने ये आपको वे बताया है कि आप कैसे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और जॉब आ जाती है, देखिए ये भी इंटर्नशिप की है, दिल्ली में ही है ये, इनकी भी मेंशन है कि कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, इन्होंने भी अपना बारे में सब कुछ बताया हुआ है, अबाउट कंपनी, अबाउट इंटर्नशिप जॉब, ये आप सब रीड ऑन कर सकते हैं, डिटेल में है, वही सारी चीज़ें हैं जो कि हर कोई कहता है, और जो मैं स्किल्स में बताती हूँ, जो मैं वर्क में बताती हूँ, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बताती हूँ, आप देखेंगे
नॉर्मली वही सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। कोई स्पेसिफिक चीज़ आप पूछना चाहते हैं इसमें से तो मुझसे पूछ सकते हैं। अगेन इसमें देखिए आप वही हु कैन अप्लाई में मेंशन हुआ हुआ है कि 15 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच में आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल अभी एक महीने के अंदर आपको मिल जाएगी इंटर्नशिप। और लास्ट में वही लिखा हुआ है फीमेल्स विलिंग टू स्टार्ट या री स्टार्ट देयर करियर में ऑल्सो अप्लाई। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ओके सो बस ये है कि किसी भी जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से अप्लाई करें। फीस वगैरह कोई अगर डिमांड कर रहा है तो उस चीज़ों का भी ध्यान रखें कि कहीं भी फीस नहीं होती है। नॉर्मली कंपनीज़ में कोई ऐसे फीस वगैरह नहीं मांगता है, आप अप्लाई करते हैं क्योंकि उनको एम्प्लॉयज़ चाहिए, वो सोर्स कर रहे हैं डेटा, तो इस तरीके से कभी कोई ऐसे फीस वगैरह चार्ज नहीं करता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। और ऐसे ही कोई और भी लोकेशन पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ गुड़गांव पर भी फाइंड आउट कर रही हूँ, जो भी आपकी लोकेशन हो वहाँ से आप जॉब्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। देखिए यहाँ पर भी फिर से अगेन वो इंटर्नशिप एंड ऑल की जॉब्स आ रही हैं, तो आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन वही चीज़ रहेगी कि जब भी आपको कोई जॉब दिखती है तो उसको प्रॉपरली रिसर्च कर लें और तभी अप्लाई कर लें। और देखिए कहीं मैंने लॉगिन नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, डायरेक्ट मैंने इंडीड का जॉब पोर्टल खोला और यहीं पर ही मैंने टाइप कर दिया और बस कितनी सारी जॉब्स मेरे पास आ गई यहाँ पे। ओके सो इस ध्यान रखें इस तरीके से और आई होप सो ये बेनिफिट होगा आपके लिए। मेरी तरफ से ये डन है। सो ये हमने देख लिया स्लाइड्स के थ्रू बहुत ही सिंपल तरीके से। मैं एक चीज कहूंगी जो मैंने बार बार वहां भी कही, अपने आप जॉब्स चेक करना सीखिए, प्रॉपर विजिट करके ऑफिशियल वेबसाइट्स और एक्सप्लोर करके रिव्यूज देखकर, बिकॉज आगे आप एचआर होने वाले हैं और आपको बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, तो वो हैबिट अभी से ही डाल लीजिए। सिंपल किसी ने जॉब बताई और बस वहां अप्लाई कर दिया वो नहीं चलेगा, एचआर प्रोफाइल में तो बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। ओके आई वुड बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, बिकॉज आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं रिप्लाई करना। इसी के साथ साथ मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने की सीरीज, या फिर आप कह सकते हैं इंग्लिश की सीरीज, या फिर स्पोकन इंग्लिश की सीरीज, या फिर बेसिक इंग्लिश की सीरीज। यस, लेकिन ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप किस सीरीज में इंटरेस्टेड हैं, और आप इंटरेस्टेड भी हैं या सिर्फ ये एचआर के सेशंस ही देखने हैं, इंग्लिश में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बहुत ज्यादा कीन हूँ इन सेशंस में, बिकॉज ये बहुत हेल्प करेंगे आपको ऑन जॉब भी और इंटरव्यू पाने में भी। यस, क्योंकि इंग्लिश बेसिक कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग मुझसे कहते भी हैं कि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, इसलिए भी जॉब्स में प्रॉब्लम आ रही है। राइट सो मैं वेट करूंगी कि आप जरूर बताएंगे कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। ओके सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे हैप्पी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।